आया, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राम जी को राजा बनाना। और ये प्रश्न पूछने के लिए जब मैं आया ना, तो न जाने कितने मुहूर्तों को देख करके आया, सोच करके आया। तो गुरुदेव, मेरा केवल ये निवेदन है कि अब जो राम को राजा बनाना है ना, ऐसा दिव्य मुहूर्त निकाल दीजिए, ऐसा देख के कोई घड़ी निकालिए, शुभ से शुभ मुहूर्त जब श्री राम को राजा बना दिया जाए। तो गुरुदेव ने कहा, देखो यही तो तुमने थोड़ी सी चूक कर दी राजे, इससे शुभ कार्य क्या हो सकता है कि राम जी को राजा बनाया जाए। और शुभ कार्य में तुमने पहले ही कितनी देरी कर कर मुहूर्त देखने के चक्कर में, अब आगे और जो राजा बनना है उसके लिए हमसे बोल रहे हो कि हम भी कोई मुहूर्त देखे, आवश्यकता ही नहीं। राम जी जिस दिन राजा बन जाएंगे, वो अपने आप में सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है, सबसे आप में सबसे शुभ समय हो जाएगा जिस दिन वो राजा बन के बैठ जाएगा। बात कर रहे हो, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, जिस दिन राम जी राजा बनेंगे वही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। तो गुरुदेव, कब करा जाए राज्याभिषेक की तैयारी? गुरुदेव जहाँ राजन विलम्ब न करिए, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द कहे, बेगी और विलम्ब न। बेगी का अर्थ जल्दी करो, और विलम्ब न का अर्थ देर मत करो। विलम्ब न का अर्थ देर मत करो, और बेगी का अर्थ जल्दी करो, अर्थात जल्दी जल्दी करो। अच्छा ये बताइए, हम लोग किसी से कहते हैं जल्दी भोजन लाओ भाई, कहते कि नहीं, मान लीजिए अरे जल्दी तैयार हो चलना है, कहते लेकिन अगर किसी से जल्दी जल्दी लाओ भाई, अरे जल्दी जल्दी तैयार हो भाई, इसका मतलब हमको उस जल्दी से भी अधिक जल्दी है, उस शीघ्रता से भी अधिक शीघ्रता है। तब तो दो बार लगा रहे हैं, थोड़ा और भजन दे रहे हैं शीघ्रता को। तो गुरुदेव को कितनी शीघ्रता है राम जी के राज्य अभिषेक की तैयारी की कि कोई लोग चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी पर आक्षेप लगाते हैं। राजा जी बड़े चालाक थे, उन्होंने भरत जी को भेज दिया था केकई, माता केकई को तो ये बात का वचन दिया था कि भरत जी को राजा बनाऊंगा, अब देखो तो राम जी को इधर राजा बना दिया और भरत जी को बुलाया तक नहीं। एक बर्थडे पार्टी भी घर में होती है तो लोग सोचते हैं कि परिवार के सारे सदस्य नहीं, और इतना महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, भरत जी को बुला तो लेना था, लेकिन इस कारण नहीं बुलाया होगा क्योंकि भरत जी को राजा बनाने का वचन दिया था। तो क्यों बुला लेते हो? कुछ लोग ऐसा राजा जी पे आक्षेप लगाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी पे। लेकिन जब गुरुदेव ने ये बात कह दी थी जल्दी जल्दी करो, तो अब किसी दूसरे की प्रतीक्षा करने का कहीं कोई बीच में अवसर ही नहीं था, उपाय ही नहीं था, विकल्प ही नहीं था, कैसे कर देते वो? और दूसरी बात, अगर कोई कहे कि राजा जी के मन में कपट था तो भरत जी को बुलाकर तो बात की बात है, माता केकई को भी वो केकई राज भेजते कि नहीं? अरे केकई माता तो वही अयोध्या जी में थी जिनसे वचन लिया था, तो कहीं कोई बात ही नहीं थी कपट आदि की। गुरुदेव ने बोला जल्दी जल्दी करो, इसलिए राजा जी जल्दी जल्दी लग गए। विलम्ब न करिए रथो साज ये सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबही जब राम हो ही जुबराज। वही दिन सबसे सुदिन है, वही सबसे सुमंगल है जब श्री राम को राजा बनाया जाएगा। इतना सुनना था कि राजा जी तो प्रसन्न हो गए, गुरुदेव की आज्ञा मिल गई।